हाय छात्र, वेलकम टू आयरिश क्लासेज। एक बार फिर आप सभी के बीच में मैं अमित कुमार आप सभी को क्लास 10 एवं ऑल जनरल कंपटीशन को मद्देनज़र देखते हुए कुछ टॉपिक लाया हूँ। जो उस टॉपिक का नाम है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन होता क्या है? संसाधन को हम किस तरह से बचाएं, किस तरह से जमा करके रखें, नियोजन का अर्थ यही होता है। तो संसाधन को हम जो बचा सकते हैं वो विवेकपूर्ण बचा सकते हैं, ज्ञान एजुकेटेड होकर बचा सकते हैं। मूर्खता से कभी नहीं बचाया जा सकता है। जैसा कि आप डिफिनेशन में पढ़ रहे होंगे, संसाधन एक विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आप संसाधन को जितने भी विवेक ढंग से विवेकपूर्ण यूज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब जैसा कि आप देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल मैंने दर्शाया। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला के लिए बहुत ही प्रचुर है, और साथ में बिहार में भी चूना पत्थर और पायराइट तो भरपूर है। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए तो वहाँ पे जल संसाधन की प्रचुर मात्रा है, जाके जल से आप जितना भी है आपको संसाधन तैयार कर सकते हैं। और फिर राजस्थान देखिए तो वहाँ पे सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा के भी प्रचुर मात्रा है। अब संसाधन की संरक्षण, ये तो हो गई हमारे राष्ट्र की बात। अब संसाधन का संरक्षण सबका योगदान बनता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे उस देश के सभी लोग और देश हो, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को ज़रूरी है। तो चलिए मैं पहले राष्ट्रीय पर चर्चा करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पर चर्चा करेंगे किस तरह से संसाधन को यूज किया जा रहा है। अब संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण, संसाधन को नियोजित यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से चलाना और विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। जैसे कि मेधा पाटकर का है नर्मदा बचाओ अभियान, जो इस टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि नर्मदा पाटेकर का जो है नर्मदा बचाओ अभियान ऑब्जेक्टिव के लिए आपको VVI है। सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इनका योगदान है। संदीप पांडे जो वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार के लिए, इन्होंने एक लॉजिक दिया कि हम लोगों ने वर्षा जल जो वेस्ट हो रहा है इसको हम जमा करें और फसल उपजाने के लिए भूमि में उपयोग किया जाए। इनका भी बहुत अच्छा रहा। ये हमारे कुछ संसाधन के संरक्षण का कुछ ट्रिक दिए हैं। चलिए आज हम संसाधन संरक्षण है तो ये तो हमारे राष्ट्र की बात होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मतलब किया गया है, क्या प्रक्रिया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन किया, कुछ इस प्रकार सम्मेलन है। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई, जिसमें भी संरक्षण के विभिन्न प्रकार रूल रेगुलेशन तैयार किया गया। अब फिर 1974 में भी सुमसेर के राइटर हैं, उनका एक पुस्तक आया था जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो इनमें भी संरक्षण के बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके बताए गए। तो ये सब टॉपिक पर मैं विशेषकर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको डेमो दे रहे हैं। ब्रांटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन में इसमें सतत विकास के साथ साथ, अब सतत विकास क्या होता है कि सतत विकास वो विकास होता है कि निरंतर चलते रहे, हम भी यूज करें और हमारे आने वाले पीढ़ी भी यूज करें। तो ये संसाधन संरक्षण पर इस संसाधन पर बल दिया गया। अब नेक्स्ट है री डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग जो था 178 देश भाग लिए थे, जो कुछ विकसित देश भी थे और कुछ विकासशील भी थे। और ये सम्मेलन जो था मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण और जैव विविधता को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। फिर 1997 में एक न्यूयॉर्क में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो आयोजन 23 से 27 जून, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, तो आप झट से बता देंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कब हुआ, तो 1997 में। आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब है क्योटो सम्मेलन,
तो ये दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए जापान में, जापान क्योटो में है, क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें से 159 देश जो है भाग लिए थे। इसमें जो था मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ को रोकने के लिए ये सब ये सम्मेलन किया गया था, इस पर चर्चा किया गया था। अब तृतीय सम्मेलन आ जाता है 10 वर्ष बाद, 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया। अब यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ? तो 2002 में है। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो बहुत सारे लोग भाग भी लिए थे। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।